ये सर्विस भी हो रही है ट्रैक्टर की। ये भैया अपने दिलीप सिंह जी नाम है इनका, और झलारा बड़ौत के नाम से गांव है इनका। इनसे अपन जानकारी लेते हैं 7250 के ट्रैक्टर के बारे में, ये कब से चला रहे हैं और कैसा चल रहा है। इनसे पूछते भैया से अपन 7250। भैया नमस्कार, नमस्कार। ट्रैक्टर आप कब से चला रहे हो 7250? ये 4 साल से चला रहे हैं। 4 साल से चला रहा है नहीं? ये भैया 4 साल से ट्रैक्टर चला रहे हैं, 4 साल का बताया अपनों को। भैया ट्रैक्टर कैसा क्या चल रहा है ये? जी बढ़िया चल रहा है। अच्छा आप काहे पे चलाते हो भैया इसको? हम इसको पल्टी प्लाऊ पे चलाते हैं और थ्रेशर पे चलाते हैं। पल्टी प्लाऊ पे क्या एवरेज देता है ये? ये पल्टी प्लाऊ पे 3 का एवरेज देता है, 3 लीटर का, 3 लीटर घंटे का। और ये कल्टीवेटर के ऊपर? कल्टीवेटर के ऊपर ही 3 का ही देता है। कल्टीवेटर के ऊपर भी 3 का देता है। और अपने ट्राली के ऊपर? ट्राली पे तो क्या किलोमीटर से चलता है। अच्छा, किलोमीटर से। हाँ तो 2 लीटर का लगभग खाता होगा ना? हाँ 2 लीटर। अच्छा, 2 लीटर में मतलब ये 15 किलोमीटर चल जाए। 2 किलोमीटर में है ना, 15 किलोमीटर 2 लीटर में। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ अभी बोरिंग चलाते हो कि तिरसा चलाते हो, क्या चलाते हो? थ्रेसर चलाते हैं, टोकरी मॉडल। अच्छा तिरसा चलाते हो, टोकरी मॉडल है ना। हाँ। वो कैसे क्या चलती है भैया? बहुत बढ़िया चलती है। कौन से गियर में चलाते हो आप इसको? ये इसमें सादा ही गियर है। अच्छा डायरेक्ट चलती है इसमें ना? चलती है। अच्छा, और आप टोकरी वाली मशीन जो चलाते हो उस पर रेस कितनी देते हो आप? ये वो अलग अलग फसल के हिसाब से रेस देते हैं। अच्छा, जैसे कि सरसों के लिए 12 की रेस देते हैं। हाँ हाँ, गेहूँ के लिए 15, सोयाबीन के लिए भी 15 की। अच्छा, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपकी जो जो मशीन की आप बात कर रहे हो, उस मशीन पे तेल कितना ले लेता है ये? ये सरसों में 3 लीटर खाता है। अच्छा, और गेहूँ हो या सोयाबीन हो तो 5 लीटर तक जाता है। अच्छा 5 लीटर पूरा ले लेता है ना। सूखा अच्छा, माल हो तो कम खाता है। तो आप 4 साल से जो ट्रैक्टर चला रहे हो, मतलब आपको अच्छा लगा ट्रैक्टर ये? बहुत बढ़िया लगा है। आप ट्रैक्टर और किसी को दिलवाओगे मशीन में? हाँ दिलवा देंगे। अच्छा, और आप भी लोगे? हाँ हम भी लेंगे। भैया आपसे मिलकर खुशी हुई है, आपने ट्रैक्टर के बारे में मेसी के बारे में बहुत अच्छी राय दी है। ये अपना 7250 4 साल चला रहे भैया, इन्होंने अच्छी राय दी भैया ने जानकारी। और इन्होंने खाली सिर्फ पंप में ऑयल लीकेज हो रहा था ये करवाया है, खाली बूच वगैरह डलवाया है पंप के अंदर। कोई नहीं आई है 4 साल से। अच्छा कैसा क्या हुआ भैया? 4 साल से कोई भी मिस्टेक नहीं आई है इसमें, बस सर्विस कराते हैं। सिर्फ सर्विस ही करी है आपने 4 साल से? हाँ। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे। सिर्फ सर्विस ही करा रहे हैं ट्रैक्टर के, और बहुत बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर, ये शानदार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक के इनको। किसान भाई नमस्कार, ये 7250 है, इसके पंप में ऑयल लीकेज हो रहा था, इसका पंप खोला था हमने, पंप में क्या काम करा है ये बताएंगे आपको हम। ये एक्सीलेटर वायर जो लग रहा है इसका, ये इसमें से लीक हो रहा था, इसका बूच और पिन डाली है अंदर की, ये लीकेज हो गई थी, ये नहीं डाली, अब सही हो गया है ये। अब इस पंप को हम कस रहे हैं, कंप्लीट करवा लिया इस पंप को हमने, ओके हो गया है पंप। ये 50 HP का ट्रैक्टर है, 2700 CC का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को 8 साल हो चुके हैं इस ट्रैक्टर को, अब पंप खुला इसका और शानदार चल रहा ट्रैक्टर ये।